सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर तो आपको कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों के बारे में शेयर करने वाले, इससे आपको यह समझ में आ जाएंगे इन दोनों में कैसे डिफरेंस क्या क्या है और क्या क्या करने से आपके वीडियोज़ पर कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं। तो चलिए वीडियो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉपीराइट क्लेम किसे कहते हैं। तो कॉपीराइट क्लेम अपने वीडियोस में तब आता है जब हमें किसी भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल को अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं। कॉपीराइट क्लेम तब आता है जब हमें अपने वीडियोस में किसी भी ऐसे मटेरियल के यूज़ करते हैं जिससे पहले से यूट्यूब के पास एक कंटेंट आईडी प्रोवाइड करके रखा है, लाइक सॉन्ग्स हो गया, मूवीज़ हो गया, जैसे बड़े बड़े म्यूजिक कंपनी हो गया, टीवी सीरीज हो गया, या फिर किसी भी म्यूजिक कंपनी का मालिक हो गया, मूवीज़ कंपनी का मालिक हो गया, ठीक है, उसके पास अलग से एक कॉन्टेंट आईडी रहता है। तो जब हम उन सब के मटेरियल्स को अपने वीडियोज़ में यूज़ करते हैं तब अपना जो यूट्यूब है वो कॉपीराइट क्लेम अपने वीडियोज़ में डाल देता है। तो अब हम बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो कॉपीराइट क्लेम का एडवांटेज की बात किया जाए तो अगर आपने वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपका वीडियोस को डिलीट नहीं किया जाता है, आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक नहीं आता है। और अगर डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो कब अगर आपने वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपने उस वीडियोस को मोनेटाइज नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपके चैनल पे मैक्सिमम कॉपीराइटेड क्लेम कंटेंट है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज कभी भी नहीं कर सकते। अगर मोनेटाइज हो भी जाता है तो उन सब कॉपीराइटेड क्लेम वीडियोस से आप कोई भी जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसको क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन को ऑन करना चाहते हो या फिर कोई भी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो तो कभी भी आपको कॉपीराइटेड मटेरियल को अपनी वीडियो से यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। क्या होता है जब हम किसी और के वीडियोस को, किसी और के कंटेंट को अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं या फिर उस पर्टिकुलरली वीडियोस को अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल ओनर है उसको अगर पता चल जाता है कि आपने उसका वीडियोस को या फिर उसका ऑडियो को यूज़ करा है अपनी वीडियोस पे, तो उसका जो ओरिजिनल ओनर वो यूट्यूब को रिपोर्ट करता है कि मेरा जो वीडियो है उसको ये इस पर्सन ने यूज़ किया। तो यूट्यूब क्या करता है, अपनी वीडियोस को एक कॉपीराइट स्ट्राइक देती है, यानी कि आपके चैनल को एक कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक अपने चैनल पर आने से क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आने से अपने चैनल को जो पर्टिकुलरली वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक है उस वीडियोस को यूट्यूब टेक डाउन कर देता है, यानी कि उस वीडियोस को यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देता है और आपके चैनल पे एक स्ट्राइक छोड़ देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने किसी के मटेरियल यूज़ नहीं किया फिर भी आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक है तो आप काउंटर अपील कर सकते हो, लेकिन अगर आपने यूज़ किया तो आपको 90 डेज तक वेट करना होगा। तो 90 डेज के बाद वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिकली हट जाता है। और अगर इन 90 डेज के अंदर, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपके चैनल को यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देता है, यानी कि टर्मिनेट कर देता है। तो अगर आपको चैनल को सिक्योर रखना है, अगर अपने चैनल को यूट्यूब पे लंबे समय तक बनाए रखना है तो आपको किसी भी कॉपीराइटेड क्लेम यानी कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड मटेरियल को या फिर किसी भी थर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन का आपको मटेरियल को अपनी वीडियोज़ पर यूज़ नहीं करना है। यूट्यूब पर और एक स्ट्राइक दिया जाता है जिसका नाम है यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है, यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोस को क्रिएट करने के लिए, वीडियोस को बनाने के लिए कुछ रेगुलेशन या कुछ गाइडलाइंस को क्रिएट करके रखा है। जब आप उस गाइडलाइंस को ब्रेक करते हो तो यूट्यूब की तरफ से एक स्ट्राइक दिया जाता है जिसका नाम है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखा, आप चाहो तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक करके उन सारे के सारे वीडियोज़ को चेक कर सकते हो, उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि यह क्या करने से आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आते हैं। अगर आपके चैनल पर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाते तो आपके चैनल को यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देता है। तो अगर आप किसी भी कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड मटेरियल को अपने वीडियोस पे यूज़ करते हो तो यूट्यूब की तरफ से जो क्लेम दिया जाता है उसको कहते हैं हम कॉपीराइटेड क्लेम। और कॉपीराइट क्लेम आने से आपके वीडियोस पे कोई भी रिमूव नहीं होता है, आपकी उस वीडियो से कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हो। और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, जब हम किसी और की वीडियोस को अपने चैनल पे यूज़ करते हैं या फिर वीडियोस पे यूज़ करते हैं और उन पर्सन को अगर पता चल जाता है तो यूट्यूब को रिपोर्ट करते हैं, यूट्यूब रिपोर्ट करने से आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जाता है, इससे आपके चैनल को वीडियोस को टेक डाउन कर दिया जाता है। और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, अगर यूट्यूब के रूल्स को आप ब्रेक करते हो तब आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में आपको कुछ कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना ताकि ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को तो मिलती रहे। और अगर हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम 94 बोरून, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहे।